नकारात्मकता और बुरी शक्तियों को दूर करने की कामना को लेकर मंगलवार को शहर सहित समूचे जिले में श्री काल भैरव जन्माष्टमी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई गई। नगर स्थित छोटे बड़े सभी भैरव मंदिरों में सुबह से देर रात तक धार्मिक अनुष्ठानों का दौर चलता रहा। कहीं भंडारे तो कहीं श्रृंगार एवं छप्पन भोग लगाकर बाबा भैरवान को प्रसन्न किया गया। न्यू नूतन नगर स्थित श्री काल भैरव मंदिर में गजानन एकता संघ द्वारा कन्या भोज एवं भंडारे का आयोजन रखा गया। संघ के कैलाश माली ने बताया कि यहां सुबह स्थित मंदिर में विराजित बाबा भैरव का भव्य चोला श्रृंगार किया गया। मंदिर को फूलों से सजाया गया। हवन पूर्णाहुति के बाद कन्या भोज हुआ। इसके बाद भंडारा प्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर दर्शन के बाद प्रसादी ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। प्रति वर्षानुसार नवरात्र के पर्व के बाद भैरव जयंती के उपलक्ष्य में गजानन एकता संघ के द्वारा हर वर्ष नूतन नगर में भंडारे का आयोजन किया जाता है और समस्त माली समाज के कुलदेव होने के कारण माली समाज के सभी व्यक्ति यहाँ पधारते हैं और माताएं बहनें मोहल्ले से भी और पधार कर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। और जिन व्यक्तियों को जानकारी नहीं हो उनको ये बताना चाहूँगा कि आप भी भंडारे में पधारे। भंडारे का आयोजन भैरव जयंती पर रहता है। लगभग कितने लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं? करीब करीब 2000 से 3000 व्यक्ति भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं प्रतिवर्ष। क्या नाम है आपका? अरविंद पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।